आप जब भी चाय की चुस्कियां लेते हैं तो आपको लगता है कि आप या तो असम की चाय पी रहे हैं या फिर दार्जिलिंग चाय का स्वाद ले रहे हैं, मगर यकीन मानिए मेघालय की चाय अपने स्वाद और सुगंध में कहीं से भी इन चायों से कमतर नहीं है। प्रकृति की गोद में बसा, अपनी नैसर्गिक खूबसूरती से लुभाने वाला राज्य मेघालय के जल, जंगल, पहाड़ सभी बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। सूर्य की प्रखर किरणें जहां पूरी वादी को सुनहले रंग से रंगती है, वहीं मेघों से भरे आसमान मन मयूर को मचल उठने को विवश करता है। सचमुच प्रकृति ने इस प्रदेश पर खुलकर अपना प्यार और उपहार लुटाया है। मेघालय का रसायन रहित फल, सब्जियां, मेवे के लिए अपना अलग स्थान है। वहीं यहां की चाय अपने स्वाद और सुगंध के मामले में किसी से भी कमतर नहीं है। दरअसल मेघालय का गारो हिल्स क्षेत्र कृषि पर निर्भर अपनी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुसंख्यक लोग पारंपरिक कृषि पर निर्भर हैं। चूंकि गारो हिल्स की मिट्टी उपजाऊ और शुद्ध है, यह जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। तथ्यों के अनुसार मेघालय में चाय की खेती राज्य सरकार के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा प्रायोगिक तौर पर 1984 में शुरू की गई थी। बाद में चाय का उत्पादन बागवानी विभाग के अधीन होने लगा। जैसे आप लोग सब जानते हैं, इंडियन टी इंडस्ट्री एक पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर एस्पेक्ट। जब इंडिया की बात आते हैं, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं जो टी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनमें से मेघालय एक राज्य है। जब हम बात करते हैं कुछ राज्यों की जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में चाय ग्रो करने वाले, जब तो आसाम आता है जो हमारा पड़ोसी राज्य है। देखा जाए तो असम में जो भी वैरायटी मिलता है टी का, जो फ्लेवर है, जो तब से तो जो भी इन टर्म्स ऑफ रिफाइननेस, तो उसी प्रकार का सेम टी का वैरायटी और स्पेसिस मेघालय में भी मिलता है। इसका एक एग्जांपल यह है कि जब 1970s में जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया आए थे मेघालय में, जहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए कि वैरायटी जो मेघालय में है वो क्या क्या कहाँ पे क्या फ़र्क है, क्या अच्छा चीज़ है, तो जो टीम आए थे उनको लगा था मेघालय में जो पाए गए कुछ वैरायटी है जो टी है वो असम और दार्जिलिंग पूरे दुनिया में जो मशहूर है उस प्रकार का, और कुछ कुछ वैरायटी तो ऐसा मिला जो बिल्कुल ही अलग है, जो बाद में जाके जो असम और दार्जिलिंग के टी को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन जब मेघालय की बात करें तो मेघालय में अभी भी जब टी फैक्ट्री में जाते हैं हम, जो पुराने जो टेक्निक मेथड्स अभी भी अपनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम भी कम होता है और ऊपर से जिस प्रकार का वैरायटी है टी उसका अच्छा जो टेस्ट है, रिफाइननेस, वो नहीं आ पाता है। वेस्ट गारो हिल्स के तुरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर तेब्रोंगरे गांव कई चाय किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव का साक्षी है। वेस्ट गारो हिल्स के लगभग 70 गांव और रोंग्राम में करीब 600 हेक्टेयर भूमि पर फैले चाय बागान से काफी संख्या में चाय किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में दो विनिर्माण इकाइयों के बीच भारी प्रतिस्पर्धा की वजह से किसानों को काफी लाभ हुआ था। आरो नुक्थाङो छाना रिंगनाबा आलमला इच्छान खरस खाय छाना मानना आलमला जिखुबादि खुबा छादिला मानना दिंदां मानसा खरस रंगना चुङाखदा मानजाङोबा यान आंना नामिन गामछातानियादि नुक्ना मानना। अनुकूल मौसम और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर चाय के उत्पादन की संभावना है। यहाँ की चाय की मांग दिनों दिन बढ़ी है, मगर उत्पादन उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा। वेस्ट गारो हिल्स के अलावा रिभोई जिले में भी इसका उत्पादन शुरू किया गया। लोगों को यहाँ की चाय बहुत पसंद आ रही है। स्वाद और सुगंध के मामले में यह असम और दार्जिलिंग चाय से कहीं से भी कम नहीं है। वेस्ट गारो हिल्स को छोड़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें मेघालय में, तो रिभोई डिस्ट्रिक्ट में भी एक बहुत मशहूर वो टी है, मैग टी के नाम से है, जो मेघालय की टी से डिराइव किया गया है। वो टी भी बहुत पसंद आया बाहर के लोगों को, खास करके उनको लगा कि
ये एक अलग फ्लेवर है जो किसी ना तो असम टी में पाया जाता है ना दार्जिलिंग टी में पाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम डोनर मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना ने किसानों की सुविधा के लिए पहल पर जोर दिया। 2009 में चाय निर्माण इकाई को RSBI के तहत पूरा किया गया। इसके तहत किसान संघ के लिए 1.75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। किसानों के संघ द्वारा स्थापित इकाई ने चाय को डोरामा चाय लेबल किया। फेडरेशन ने चाय उत्पादकों के लिए सफलता की कहानी लिखी है जिन्होंने खेती छोड़ने का निर्णय लिया था। कई अब अपनी उपज बेच पा रहे थे और उन्हें लाभ भी होने लगा। विनिर्माण इकाई से सालाना 1.5 से 2 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है जो मेघालय के स्थानीय बाजारों और असम के ग्वालपाड़ा जिले में बेची जाती है। यहाँ का चाय का क्वालिटी इसलिए बढ़िया है कि ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पे कोई केमिकल वगैरह का यूज नहीं होता है। जैसे पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, कहीं कहीं पे देखा है वीडिसाइड यूज होता है तो उससे कोई हार्म नहीं है और फर्टिलाइजर भी यूज नहीं होता है, तो नेचुरल जो प्रोडक्शन है इसलिए यहाँ की क्वालिटी का एक अलग महत्व है। लोग जो ग्रोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब उनका सर्टिफिकेट हो जाएगा तो ऑलरेडी फैक्ट्री कर रही है। टोटल हो जाता है 10-12 हज़ार किलो और उसी को ही तैयारी करके मारता हम लोग। एक लाइन का CTC है और इसी से ही पत्ता रेडी करके और इसी से क्वालिटी बना रहा है और ये गुवाहाटी ऑक्शन में भी जाता है, बाकी ये मेघालय में भी लोकल में भी सेल होता है और हर हफ्ते मदन की हफ्ते में 2 बार मदन की गुवाहाटी ऑक्शन में जाता है माल। चाय के लिए सामान्य तौर पर 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है, साथ ही 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के बीच इसकी अच्छी पैदावार होती है। क्षेत्र में 1995 में चाय बागान अस्तित्व में आया। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, पहले दार्जिलिंग और बाद में तमिलनाडु जाकर चाय किसान व मजदूरों ने प्रशिक्षण लिया। इन सालों में चाय किसान व मजदूरों को कीमत बढ़ने से लाभ मिलने लगा। मेघालय सरकार ने चाय बागान व चाय मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए। चाय बोर्ड और केंद्र सरकार भी तकनीकी और आर्थिक रूप से किसानों की मदद कर रही है। मेघालय के चाय की खासियत है कि यहाँ जैविक खेती पर जोर दिया जाता है, यहाँ कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता। वहीं यहाँ का उत्पाद सप्ताह में 2 बार असम जाता है। बाजार के अलावा नीलामी के लिए भी चाय भेजी जाती है। यहाँ स्थानीय बाजार में भी इसकी जबरदस्त मांग है। सरकार की तरफ से सिर्फ 2 जिलों में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी ऑर्गेनिक टी मिशन शुरू कर दिया गया है। चाय किसानों के हितों की रक्षा के मकसद से सन 2006 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के प्रयासों से वेस्ट गारो हिल्स चाय किसान संघ अस्तित्व में आया था। इसमें संदेह नहीं है कि गारो हिल्स के ग्रामीणों की जिंदगी में चाय की खेती के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। वास्तव में यह बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। चाय की खेती से जहां एक ओर रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे, वहीं किसानों मजदूरों के साथ ही सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अब समय आ गया है कि चाय की खेती को पारंपरिक पद्धति के भरोसे न छोड़कर शिद्दत के साथ चाय किसानों व मजदूरों को प्रशिक्षित किया जाए। अत्याधुनिक तकनीक के जरिए इसके उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी की जा सकती है।